प्रदेश में नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। हमीरपुर में पुलिस ने भोटा बस अड्डे पर गश्त के दौरान एक युवक की तलाशी लेने पर लाखों रुपए की स्मैक बरामद की है। युवक बाबू उर्फ भगवान पुत्र रामलाल गांव मदन जुहड़ी निवासी बदाऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाला है और 267 ग्राम स्मैक की खेप को हमीरपुर में पहुंचाने वाला था। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीना ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि हमीरपुर सदर एसएचओ संजीव गौतम की अगुवाई में एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से 267 ग्राम स्मैक बरामद की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये आरोपी पिछले काफी समय से हमीरपुर में स्मैक लाने का काम कर रहा था। गौरतलब है कि हमीरपुर पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है क्योंकि इससे पहले हमीरपुर पुलिस के नाम 193 ग्राम स्मैक का रिकॉर्ड था। अभी पुलिस ने 267 ग्राम स्मैक के साथ सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जो सदर संजीव कुमार और साथ में उनके बाकी थाने के स्टाफ एसआईयू का जो स्टाफ था, ये लोग पेट्रोलिंग और गश्त के लिए गए हुए थे अपने क्षेत्र में। तो भोटा के समीप ये घटना हुई, उसमें एक व्यक्ति उसको गिरफ्तार किया, उसके पास से कुल 267 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जो आरोपी है ये यूपी से संबंध रखता है, बदायूं जिले से, और इसका नाम शंकर भगवान है, बबलू भगवान शंकर, और ये थाना बिसोली जिला बदायूं का रहने वाला है। और पूछताछ में इसने बताया कि ये काफी समय से इस तरह के काम में लिप्त रहा है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि हमीरपुर पुलिस को मिली है। थैंक यू।